हेलो अना, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलें जी, आज हम आपको लेके जाते हैं अपने साथ मक्का से मदीना वाया हरमैन हाई स्पीड ट्रेन, जिसको आप बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। और ये हम जी कहाँ खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं मक्का स्टेशन पे, जो कि वो देखे सामने से जो सा ना क्लॉक टावर नज़र आया बिल्कुल मक्का के मिडल में। क्या जी, इनका स्टेशन वो बहुत मैसिव है, ह्यूज स्टेशन बनाया हुआ है। देखो अंदर से, वाओ नाइस। अच्छा आर्किटेक्ट है, सारा ओपन है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट होता है। ज़बरदस्त है। वेयर इज डैडा, वेयर इज ही? वो है, सॉरी। मक्का से मदीना और मदीना से मक्का आने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। 5 आवर्स का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में हो जाता है। एक्सपेंसिव है, हम लोगों को 800 रियाल की सीट्स मिली थी, 160 रियाल पर पर्सन है। अगर आप गाड़ी में आएँ तो यही 400-500 में आप आ जाते हैं, और अगर इसके ज़रिए जाएँ डिस्टेंस जो है 5 घंटे के बजाय आप 2 घंटे में, तो वर्थ करता है। क्या करना है इन्होंने यहाँ पे, पता नहीं क्या करते हैं, चेक करके। ये कहीं से लग रहा है कि ये एक ट्रेन स्टेशन है? हाँ सामान, ये कहीं से लग रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन है? ये वेटिंग एरिया में आके हम बैठ गए हैं, ये सारा वेटिंग एरिया है। और कहाँ से जा रहे हैं, बोर्डिंग कहाँ से होनी है, मुझे समझ नहीं आ रही है। ओ अच्छा, चलें जी प्लेटफॉर्म पे आ गए हम लोग। अब फील आ रहा है कि हम लोग ट्रेन पे जा रहे हैं, पहले तो लग रहा था हम एयरपोर्ट पर कहीं खड़े हैं। वो खड़ी है ट्रेन, वो खड़ी है, एक ये खड़ी है। गर्मी गर्मी मक्का में, गर्मी हो गई अच्छी खासी। अच्छा, सो हम लोगों ने 4 से जाना है और ये खड़ी है ट्रेन, मदीना जा रही है। माशाल्लाह से मदीने आ रहे हैं हम अपने प्यारे आका के शहर जा रहे हैं। ये है जी बुलेट ट्रेन, शक्ल भी बुलेट जैसी है इसकी, है ना? आगे से कैसी बनाई हुई है, नाइस है। ये इकोनॉमी दरवाजे हैं, आई डोंट नो दे आर क्लोजिंग द डोर्स, खुल जाता है। अब हमारा डब्बा पता नहीं कौन सा है, हमारा बोगी नंबर पता नहीं कौन सा है, मिल ही नहीं रहा। इकोनॉमी इतना महंगा है खुशी। और ये सामने दूसरी खड़ी है, ओके बटन प्रेस करने से खुल जाता है। दिस इज द फ्रंट ऑफ द ट्रेन, मैंने कहा हम लोग एंड में बैठ गए, लेकिन ही सेड दिस इज द फ्रंट ऑफ द ट्रेन। चलो हाँ, वो यार और का नमी है, ध्यान से बैठे। बिस्मिल्लाह, सो दिस इज द प्लेस टू पुट ऑल योर लगेज। या वी टुक दिस वन, जिसके ऊपर चारों की सारा वो है, और एक यहाँ पे होगी साथ में पापा की। चलें जी, चले जी हम लोग चल पड़े माशाल्लाह से, चल पड़े ट्रेन। गुड थिंग जितना टाइम कहा था 1 सेकंड ऊपर नहीं किया और पूरे टाइम पे चल पड़ गया, सो गुड। माशाल्लाह से बारिशें हुई है ना बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से कह रहे हैं बहुत ग्रीनरी हो गई है। सारे पहाड़ जो से वो ग्रीन हो रहे हैं, 203, 206, 207 सही कह रहे हैं।
पीछे माउंटेन हैं। कहाँ है? ये देखो ये वॉशरूम, कुछ वॉशरूम दिखाएं। ये देखें जी बिल्कुल जहाज की तरह, जहाज की तरह, जहाज की तरह साफ सुथरा सा है ना, इससे अच्छा है। चले आते हैं। जहाज की तरह पूरा पूरा जो है वो लेके फिर रहा है, ऐसे सर्व करते हैं। ये आ गया है कोई सिटी, पता नहीं कौन सा, और स्पीड कम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं कैफेटेरिया और हमें पता ही नहीं कैसे जाना है। वेट कर रहे हैं हम लोग, ये भाई साहब गुजर जाए ना तो फिर हाँ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। सही है। ये एक तीन, ये और तीन, ये तो किस तरह ईच का क्या हुआ? ये अच्छा मज़े का उन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो मील्स हैं ये कह रहा है कि हमारे लिए नहीं है, ये मील्स चीज़ है बिजनेस क्लास के लिए हैं। और ये हमें कड़क चाय 5 रुपये की दी है उसने। ऑटोमेटिक डोर्स जी बेटे, सलमान यहाँ पे कह रहे थे कि जब हम लोग हज पे आए थे ना तो आंटी और अम्मी हमारे साथ थी तो उनको भी लेके आते ना ट्रेन पे, तो वो भी बहुत इंजॉय करती। तो मैंने कहा हाँ वाकई सही कह रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा इंजॉय करना था, इतना स्मूथ और अच्छा सफ़र था। आपको नजर नहीं आया बहुत सारे थे? दो तीन ही थे भाई, बहुत सारे थे। और यहाँ पे मैं बता रही थी कैमल्स के बारे में, रास्ते में इतनी दफ़ा कैमल्स आए ना लेकिन वो इतनी तेज़ी से गुजर जाते थे और मैं कितनी देर मोबाइल पकड़ के बैठी रहती थी कि अब कैमल आएंगे ना तो मैं वीडियो बनाऊंगी, और जब तक कैमरा मेरे हाथ में होता था ना ऑन तब नहीं आते थे, और जैसे ही रखती थी ना कैमल आ जाते थे। सऊदीया का माउंट व्यू जी, मिडल में खड़ा हुआ है। और ये कहाँ हम लोग मदीना पहुँच गए। सामान 2 घंटे 15 मिनट में जल्दी पहुँच गए। ये देखें जी मदीना पहुँच। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 2 3 ड्राइवर को नज़र कहाँ से आता है? ये दिस इज द वे आउट। चलें जी निकल आए हम इनके एयरपोर्ट से बाहर। ये देखो, देखो यहाँ पे नहीं चेकिंग की है कुछ भी, निकल जाओ। अच्छा ये वहाँ पे भी थे ना कॉस्टर। चलो एक बार फिर बताएं आपका, हाउ वाज योर ट्रेन राइड? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आया? यू लाइक इट? या अल्हम्दुलिल्लाह। चेंज तो नहीं करता कलर? ये ग्रीन है, मसीह ने नोटिस किया है। और अलबेग यहाँ पे भी है, अलबेग कोई जगह नहीं छोड़ेंगे अलबेग बनाने के लिए। कितनी प्यारी जो है वो मदीना के डोम जैसा बनाया हुआ है। कैफे है? आई डोंट नो, इट्स अ टक शॉप, जस्ट लाइक अ टक शॉप। बहुत प्यारा लग रहा है। चलो
हमारी उबर एक और मॉस्क में। कहाँ है पापा? और ये भी एक और मॉस्क है। कितनी प्यारी लग रही है ये भी। और $130 की रियाल की यहाँ पे टैक्सी, टैक्सी बहुत महंगी मिली है जी हमें, रियली नॉट गुड। हम लोगों ने उबर कॉल की थी लेकिन इन्होंने जो सा ना यहाँ पे स्टेशन पे उबर को अलाउ नहीं किया आना, और हम लोगों को यहाँ से इनकी टैक्सी लेनी पड़ी जो बहुत एक्सपेंसिव थी। मदीने की गलियाँ माशाल्लाह से, मदीने की गलियाँ आ गई अल-मदीना, अव्वल मस्जिद, माशाल्लाह, दूर नफिल अजर उमरा, मस्जिद जुमा, यस यस जज़ाकअल्लाह। रेहान यहाँ पर रुका ना, इसी हम करीब रुका रेहान, यहाँ था मस्जिद कुबा के पास हूँ। ग्रैंड प्लाजा बदर अल मकाम, खलास हबीबी, सलमान बार बार जोन ना कंफर्म करते ये हमारा होटल है, और वो आगे से कहते खलास अभी भी खलास खलास बस हो गया मुझे पता है, चुप हो जाओ। चल जी ये आ गया हमारा होटल ग्रैंड प्लाजा बदर अल मकाम, यहाँ से अंदर एंटर होते हैं और यहाँ से कहाँ पे ये जो ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट कितनी प्यारी बनाई हुई है, रिसेप्शन की अच्छी लग रही है, नाइस।